भारत को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, इसके लिए देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर आम आदमी तक इस प्रयास में जुटा है कि कैसे भारत की छवि को साफ सुथरा और बेहतर बनाया जाए। और इसी कड़ी में देहरादून के एक शख्स ने एक पहल की है, और क्या पहल की है इस रिपोर्ट में समझते हैं। रोडवेज की बसों में आपने सफर जरूर किया होगा और बसों में गंदगी के नजारे भी देखे होंगे, लेकिन जरा सोचिए, आप जिस बस में सफर कर रहे हो वो बिल्कुल साफ दिखे तो आप जरूर कहेंगे ये हुई ना बात। कुछ इसी मकसद और इरादे से देहरादून के युवा अमर बहादुर मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। मैंने देखा है कि लोग खाते पीते हैं, जो उसके बचे हुए कागज होते हैं, पॉलीथीन होती है वो, या संतरे खा रहे हैं तो छिलके हैं, ये सब धीरे से सीट के नीचे डाल देते हैं। तो मेरे दिमाग में आया, या फिर वो शीशा ड्रैग करते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, केले का छिलका सड़क पे फेंक देते हैं, लोग उस पर फिसलते हैं, गिर जाते हैं, चोट भी लगती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे दिमाग में आया कि कुछ करना चाहिए। अमर बहादुर को विश्वास नहीं हुआ कि उनके खत का पीएमओ में संज्ञान लिया जाएगा। जनवरी में लिखे खत का उन्हें मार्च में जवाब मिला। पीएम मोदी ने अमर की इस पहल पर अमल करते हुए सभी रोडवेज बसों में डस्टबिन या जूट के बैग लगवाने के आदेश दिए। तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए मैंने लिखा था दिल्ली, वहाँ से फिर ये उत्तराखंड, ये राज्य परिवहन विभाग को उन्होंने फॉरवर्ड किया, वहाँ से आया। उन्होंने मुझे पत्र के माध्यम से मुझे फिर उन्होंने लेटर भेजा, 7 तारीख को, पिछले 7 तारीख को मेरे पास वो पत्र आया। तो उसमें उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, मुझे खुशी हुई कि मेरे पत्र का संज्ञान लिया गया और उस पर कार्रवाई भी की गई, और इस पत्र में लिखा भी है कि बसों में लगाए जाएंगे डस्टबिन, लगाए जाएंगे वो प्लास्टिक या जूट के जो है डस्टबिन लगाए जाएंगे, ताकि बस को स्वच्छ और साफ रखा जा सके। वहीं अमर की इस पहल से बसों में रोज सफर करने वाले लोग भी काफी खुश हैं। यात्री रोडवेज बसों में डस्टबिन लगाए जाने को एक अच्छी पहल मान रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफाई अभियान का असर अब देहरादून की सरकारी बसों में भी दिखाई देने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस ऑर्डर की। ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर को परिवहन विभाग के जीएम स्तर के अधिकारियों ने 7 तारीख को जारी कर दिया है, यानी अब उत्तराखंड परिवहन की बसों में सफाई नजर आएगी। रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन के पदाधिकारी हरि सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक शुरुआत की जा रही है कि सफाई अभी तक हम सड़कों पे देखते थे, घरों में देखते थे, लेकिन अब हम रोडवेज की बसों को भी साफ सुथरा देख सकेंगे। प्रधानमंत्री पीएमओ के यहाँ से जो है एक पत्र जारी किया गया। फिलहाल वर्तमान में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन है, उन्हीं के तहत जो है वहाँ से एक जो है पत्र जारी किया गया राज्यपाल महोदय के यहाँ, और राज्यपाल महोदय ने उसका संज्ञान लेते हुए हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक महोदय के माध्यम से उसको जो है आदेश को का पालन कराया गया, और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो अभियान चलाया गया, ये एक अच्छी पहल है, जो शुरुआत हो रही है, ये कैसे देखती हैं इसको आप? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और मेरा तो यही कहना है कि जो शुरुआत ये की जा रही है, इसमें जो यात्री हैं वो इसका पालन सही प्रकार से करें। बड़ा स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये एक धरातल वाली योजना है जिसमें हम सभी को सहयोग करना है। मेरा मानना यह है कि केवल उत्तराखंड परिवहन की बसों में नहीं, बल्कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर शहरी क्षेत्र हैं, किसी भी तरह के सिटीज़ हैं, केवल एक बसों में ही नहीं, पूरे हर जगह हर क्षेत्र में यह सफाई की पहल होनी चाहिए। देहरादून के अमर ने तो बसों को साफ सुथरा करने की पहल तो कर दी है, लेकिन अब जरूरत है कि इस योजना को व्यापक प्रचार प्रसार मिले और साथ ही यात्रियों को जागरूक किया जाए, जिससे कि बसों को साफ सुथरा रखा जा सके। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।